कांग्रेस ने राफेल को आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। पार्टी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि राफेल डील पीएम मोदी के गले में एक फांस की तरह है और मोदी सरकार ने डीपीपी संशोधन किया गया, इसमें ऑफसेट प्लान खत्म कर दिया और साथ ही इसकी कोई जानकारी नहीं देने की भी मनाही की गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के अनुसार डील से जुड़े कई जानकारियां हटा ली गई और यही नहीं, इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दी गई। इस मुद्दे पर हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण ने खास बातचीत की कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से। आप भी सुनिए क्या कुछ खास कहा। कांग्रेस पार्टी ने राफेल को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा, उनसे जानते हैं। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है ये। बिल्कुल, ये है। जिस बेशर्मी से प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप करके रक्षा मंत्रालय के जो विशेषज्ञ जो टीम थी जो नेगोशिएट कर रही थी उसको दरकिनार करते हुए अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाया, राफेल जो डसॉल्ट कंपनी थी उसको लाभ पहुंचाया, देश के ईमानदार करदाता को 30,000 करोड़ की चपत लगाई गई, इससे ज़्यादा बड़ा घोटाला और क्या हो सकता। सर, कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो बहुत पहले जारी कर चुकी है, कल बीजेपी ने जारी किया, क्या मानते हैं क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टक्कर देता है या बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया केंद्र में दोबारा सरकार बना पाएगी? पिछले 5 साल का लेखा जोखा दे नहीं पाए, माफीनामा देना चाहिए था, संकल्प पत्र तो बाद में आना चाहिए था, तो न माफी मांगी न पुराने वादों का कोई लेखा जोखा दिया, अब कौन भरोसा करेगा। और इसमें भी इन्होंने कहा है प्रयास करेंगे, हिम्मत है तो बोलिए, हम तो बोल रहे हैं कि 1,00,000 नौकरी देंगे, 72,000 रुपए देंगे, हमने तो नहीं कहा प्रयास करेंगे। राजस्थान के उदयपुर से आप आते हैं, राजस्थान में आप प्रचार के लिए जाएंगे, क्या मानते हैं कैसा माहौल है गहलोत सरकार को लेकर के, कितनी सीटें कांग्रेस लाने में कामयाब हो पाएगी? गहलोत सरकार को लेकर एक उत्साह है, जोश है लोगों में, एक राहत की भी सांस ली कि वसुंधरा सरकार से उनको मुक्ति मिली और वो चाहते हैं गहलोत साहब के हाथ और मजबूत हों। मुझे पूरा भरोसा है कि 25 सीटें, राजस्थान तो एक ही तरफ चलता है, या इस तरफ या उस तरफ, पिछली बार उस तरफ था, इस बार इस तरफ है। तो राजस्थान जो है इस तरफ या उस तरफ की बात होती है और राज्य में प्रदेश में जिसकी सरकार होती है ये कहा जाए कि फ़ायदा उसी सरकार को मिलता है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा सीटें 25 में से आ पाएंगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।